आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त कढ़ी पकौड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। सबके घर में बनता है और सब बहुत पसंद करते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिससे कि पूरा परफेक्ट टेस्ट आए। और जैसे मेरे वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, क्या ज़बरदस्त कढ़ी बना है। पकौड़े जो है बहुत सॉफ्ट था। इसको मैं ज़ीरा राइस के साथ सर्व की थी, इसका स्वाद और अच्छा बढ़ गया था। तो सूस फूड कॉर्नर का स्पेशल कढ़ी पकौड़ा। नमस्कार, मैं हूँ शुभंकरी और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा चैनल सूस फूड कॉर्नर पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा और मेरे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा बाउल में लगभग आधा कप बेसन लेंगे, लगभग 100 ग्राम 150 ग्राम होगा। उसमें पानी डाल देंगे आधा कप और एक अच्छे से घोल बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे तो वैसा बनाएंगे, घोल देंगे। मैं एक सीक्वेंस में आपको बताऊंगी, वैसे करने पे ना बहुत जल्दी काम हो जाएगा। दही यहाँ पे 2 कप है, लगभग 400 ग्राम दही होगा, खट्टा वाला दही है। तो इसको हम एक बार ये अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसको अच्छे से फेंटने से क्या होगा ना, जब हम बेसन का घोल इसमें मिलाएंगे ना तो बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो देखिए कंसिस्टेंसी बहुत स्मूथ हो गया। इसमें जो हम बेसन घोले थे वो हम डाल देंगे। अगर सूखा बेसन इसमें डालेंगे तो गुठलियाँ पड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और देखिए हमने बेसन घोल दिया, दही घोल दिया, तो बहुत जल्दी ये स्मूथ हो गया। तो इसमें ना मैं अभी 1 लीटर और 250 ml पानी डालूंगी, क्योंकि ना हमको एक अच्छे से गाढ़ा कढ़ी चाहिए। तो थोड़ा पकेगा तो जितना पकता है कढ़ी उतना उसमें टेस्ट आता है। मिला लें तो हमारा जो कढ़ी का जो बेस है ना वो तैयार है। खट्टा दही में थोड़ा बेसन बिना गुठली के अच्छे से घोल के बहुत परफेक्टली हम एक बेस तैयार कर दिए। अब इसको हम पकाएंगे। तो उससे पहले तैयारी कुछ कर लेंगे। एक छोटे से बाउल में मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच लेके थोड़ा सा अच्छे से पेस्ट बना दूंगी। इससे ना कढ़ी का कलर में बहुत अच्छा फ़र्क आता है। और मसाले में मैं बेसिक ली हूँ, लहसुन का कली ली हूँ 15 से 16, थोड़ा ज़्यादा, और 4-5 हरा मिर्च और 2 बड़े चम्मच पानी देके ना लहसुन हरा मिर्च को बहुत अच्छे से एक पेस्ट बना दूंगी। लहसुन का मात्रा अगर आप कढ़ी का मात्रा बढ़ाएं तो बिल्कुल बढ़ाइएगा। तो देखिए पेस्ट इसका कितना अच्छा बन गया। इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल लेके 2 सूखी लाल मिर्च डालूंगी, 5 फ़ोरन डालूंगी 1 छोटी चम्मच। जब अच्छे से चटक जाए तो उसमें मैं डालूंगी करी पत्ता, 10 से 15 डाल दूंगी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, 10 सेकंड बस लगेगा। फ्लेम स्लो करके हींग डाल दूंगी 1/2 छोटी चम्मच, ताकि हींग ना जले। सब चीज़ों को एक बार मिला ले, उसके बाद जो हल्दी और जो कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट बनाए थे ना वो डाल देंगे। फ्लेम मीडियम पे ही है, अच्छे से एक बार चला लेंगे। आप नोटिस करेंगे ना ये जो ट्रिक है बहुत हेल्पफुल है। तो दूसरा टिप ये है कि हमेशा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को तड़का में यूज़ करेंगे, कलर बहुत ही प्यारा आता है कढ़ी का। तो बस एक बार इस तरह से मिला लें, उसके बाद लहसुन हरा मिर्चा को पीसे थे ना उसको डाल देंगे। लहसुन हरा मिर्चा का पीस डालने के बाद फ्लेम हाई कर लें, अच्छे से इसको हमको भूनना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे ताकि जो मसाले पेस्ट है तेल अलग हो जाए और मसाला अच्छे से भून जाए। लहसुन हरा मिर्चा का फ्लेवर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस कढ़ी में। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, करके मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो देखिए 3 से 4 मिनट बाद जो मसाले हैं बहुत अच्छे से भून गए हैं, तेल अलग हो गया है और मसाले जो है अच्छे से कलर चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पे फ्लेम हम थोड़ा सा कम कर देंगे, मीडियम से लो कर देंगे। 2 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद जो कढ़ी का जो मिक्सचर बनाए थे ना बेस बेसन वाला वो हम डाल देंगे। तो बस ये परफेक्ट लग रहा है। तो अब इसमें फ्लेम लो करके एक हाथ में घोलते जाएंगे और ये जो मिक्सचर है पूरा डाल देंगे। तो इसमें यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी टिप है कि जो कढ़ी है ना, मैं इसमें स्टेज पे अभी नमक नहीं डाली हूँ। और फिर दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टिप है, इसको अभी फ्लेम मीडियम पे था, लो पे था एक्चुअली, फ्लेम मीडियम हाई करके लगातार चलाएंगे लगभग 5 से 7 मिनट, या तब तक जब तक कि कढ़ी में ना एक उबाल ना आए। अगर आप कभी भी इसको यहाँ पे अनअटेंडेड छोड़ देंगे, बिना हिलाए हुए बिना चलाए हुए छोड़ देंगे, तो कढ़ी का फटने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो इस वजह से इसको इसे इस तरह से हम मिलाते जाए ताकि जो हीट है ना नीचे का वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कढ़ी को ज़्यादा आसानी से पकने में मदद मिलेगा। तो एक बारी देखिए कढ़ी पकने लगा, दही जो है मेरा बिल्कुल नहीं फटा है, कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से बहुत प्यारा कलर आया है। तो इस स्टेज पे हम नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, चख के आप एक बार डाल लें क्योंकि थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। तो जब इस स्टेज पे आ जाए तो अब हम फ्लेम को मीडियम करके
आधा ढक्कन ढक के छोड़ देंगे, तब तक हम पकौड़ी का तैयारी करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा मैं छोड़ दी हूँ स्पेस ताकि ये उबल के बाहर ना आ जाए, उफान ना आ जाए। तो बस इसको अभी चढ़ाने देंगे। दूसरी तरफ हम पकौड़ी का तैयारी कर लेंगे। 1.5 कप मैं यहाँ पे बेसन ली हूँ। पकौड़ी या क्वांटिटी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं एक अंदाज़ा बोल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच हल्दी है, खाने वाला सोडा जो है 1 चुटकी है। सोडा ना डालना चाहें तो आप आधी कप दही डाल सकते हैं खट्टा वाला। एक मीडियम साइज़ का प्याज है कटा हुआ, और 2 से 3 हरी मिर्च है, और धनिया पत्ती है 2 बड़े चम्मच। तो आप सब चीज़ों को थोड़ा सा पानी देके, हमको सेमी थिक पकौड़ी का बैटर चाहिए, इस तरह से मिला लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप बोल रही हूँ, नमक जो है मैं पहले नहीं डाली हूँ। तो जब अच्छे से आपको लगे कि पकौड़ा का बैटर पूरा परफेक्ट है, तब हम डालेंगे इसमें नमक टेस्ट के हिसाब से। उससे ना पकौड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी रहती हैं। तो बस इस तरह से इसको नमक डाल के एक बारी मिला लेंगे। तो तेल में उधर चढ़ाती हूँ गरम करने के लिए। पकौड़ी का जो बैटर है हमारा रेडी है, पूरा परफेक्ट है। मैं थोड़ा चख ली थी नमक, और कढ़ी जो है उधर हमारा उबल रहा है। तो सब चीज़ सीक्वेंस में हो रहा है। तो जब तेल गरम हो जाए, फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे, तेल अच्छे से गरम होना चाहिए। फ्लेम मीडियम करके उसमें हम पकौड़ियाँ डालेंगे। देखिए छोटे छोटे डालेंगे क्योंकि ये फिर वापस फूल जाते हैं कढ़ी में। तो बस इस तरह से डालते जाएंगे, और जितना आपका कढ़ाई का साइज़ है, जितना आप तेल लिए हैं उसके हिसाब से डालें। एक बार पकौड़ियाँ आप डाल देंगे तो हाई फ्लेम पे इसको हमको तलना है। पकौड़ियाँ जो होती है ना कढ़ी के लिए, बहुत लोग कभी कभी उसमें प्याज नहीं डालते हैं, सिंपल पकौड़ियाँ रखते हैं, कोई कोई प्याज डालते हैं। तो मैंने इसमें प्याज डाले हैं। ये जो कढ़ी जो मैं बना रही हूँ ये नॉर्मल वाला कढ़ी है। पंजाबी कढ़ी का स्वाद थोड़ा अलग होता है, ये आम घर में बनने वाला कढ़ी जो है वो है। तो देखिए इसको एक बार हो जाए एक तरफ, तो हम इसको पलट ली हूँ। ट्रिक यहाँ पे ये है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जो पकौड़ी है ना थोड़ा हमको ज़्यादा कड़ा करना है, तो ताकि वो थोड़ा सूख जाए। जितना ड्राई रहेगा तो हम जब डालेंगे ना कढ़ी में तो वो जल्दी एब्जॉर्व करेंगे कढ़ी को, और जल्दी सॉफ्ट होंगे। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, पकौड़ियों को थोड़ा ज़्यादा कड़ा करना है कढ़ी पकौड़ी के लिए। तो देखिए इस सेट में मेरा पकौड़ियाँ हैं। तो अब एक बार ये हो जाए तो हमारा कढ़ी चेक करते हैं। लगभग ये 10 से 12 मिनट तक पक रहे थे क्योंकि तब तक हम पकौड़ी बना लिए। और कढ़ी जो है देखिए गाढ़ा हो गया है। अब लेवल देख पा रहे हो कढ़ाई में कहाँ तक था, ये कम होके कहाँ तक आ गया है। तो जब ऐसा हो जाए, ये ऑलमोस्ट गाढ़ा होना शुरू हो गया है, पकौड़ी डालेंगे ना तो और गाढ़ा हो जाएगा। और जितना पका ना 10 से 12 मिनट, इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आएगा। तो इस स्टेज पे अभी हम सारे पकौड़ी डाल देंगे। पकौड़ी डाल के एक बार या फिर नमक टेस्ट कर लें, क्योंकि ना कढ़ी में अगर नमक कम ज़्यादा हो ना तो मज़ा नहीं आता है। तो बस मिला लेंगे। तो अब इस स्टेज पे पकौड़ी डालने के बाद फ्लेम हम लो मीडियम करके इसको फिर ढक के छोड़ देंगे। थोड़ा सा हम साइड में मैं गैप छोड़ी हूँ, बस 5 से 7 मिनट। और 5-7 मिनट बाद देखिए इस स्टेज पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बोलती हूँ। ये जो पकौड़ी है ना, आपको लग रहा होगा कि पकौड़ी हो गया है, पर नहीं, कढ़ी हमारा ऑलमोस्ट थिक हो चुका है पर पकौड़ी नहीं हुआ है। तो अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि पकौड़ी ऊपर तैर रहा है तो इसका मतलब पकौड़ी सॉफ्ट नहीं हुआ है, नरम पकौड़ी नीचे बैठ जाता है। इस चीज़ को, इस टिप को हमेशा ध्यान रखें। और अगर आपको इस स्टेज पर लगे कि आपका कढ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया, आप बेशक थोड़ा सा और पानी देके पकौड़ियों को नीचे बैठने का इंतज़ार करें। मेरा ज़रूरत नहीं पड़ा, उतने में ही देखिए मैं थोड़ा सा और इसको ढक के रख लेती 5 से 6 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे। और 5-6 मिनट बाद देखिए पकौड़ी जो है पूरा नीचे बैठ गया है, इसका मतलब पकौड़ी सारा सोख कर लिया है कढ़ी के पानी को और सॉफ्ट हो गया है, वजनदार होके वो नीचे बैठ गया है। और एक पकौड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट बना है, एकदम सॉफ्ट है पर फिर भी पूरा इंटैक्ट है। तो ये ट्रिक है एक परफेक्ट कढ़ी पकौड़ा का, आप हमेशा ध्यान रखिए गाढ़ा कढ़ी के साथ सॉफ्ट पकौड़ी। तो अब मैं इसको सर्व करती हूँ, और सर्व करने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा कढ़ी। और जैसे मैं बोली, इसको मैं जीरा राइस के साथ बनाई थी तो इसका टेस्ट जो था ना ऑसम था। स्टीम राइस के साथ भी इक्वली अच्छा लगता है। तो आप एक बार ये बनाइए। छोटी छोटी बातों का मैं बहुत ध्यान रखी हूँ, आपके साथ शेयर भी की हूँ, बना के मुझे निश्चित फीडबैक दीजिए। तो अभी टाइम है कमेंट ऑफ द डे का। तो कमेंट ऑफ द डे है पूजा लेंका का, वो लिखती है ऑसम प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन एंड एक्सप्लेनेशन, आई एम ए बिग फैन ऑफ योर चैनल, ऑल योर रेसिपीज़ आर जस्ट परफेक्ट एंड कम्स आउट एक्यूरेट।
थैंक यू पूजा, आपका इतना प्यारा प्यारा कमेंट के लिए। मेरा वीडियोस आपको अच्छा लगता है और आप उसको ट्राई करती है, मेरे लिए वही बहुत बड़ा बात है। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपके साथ मैं प्यारा प्यारा रेसिपी शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये जो वीडियो है कढ़ी पकौड़ी का आपको अच्छा लगा होगा। बेसिक है, सिंपल है, पर बनता ना बहुत औसम है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा बेल बटन पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।